नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे यूपी फटाफट की। लखनऊ में कस्टम की टीम ने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना लेकर आ रहे यात्री को पकड़ा। उसने 10 लाख रुपए का उससे सोना भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस शख्स से पूछताछ में जुटी। आगरा में पुलिस की हाथरस के शातिर कालिया गैंग से मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में दो बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती किया है। बदमाशों से तमंचे और कारतूस किए जब्त। और वहीं अलीगढ़ बाईपास पर राहगीरों से लूटपाट कर रहे बदमाश की मुठभेड़ पुलिस से हो गई है। मुठभेड़ में 4 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। मेरठ में अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में शख्स की मौत हो गई है, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शख्स का शव रोड पर रखकर जाम लगा दिया है, जिसके बाद वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने लोगों को शांत कराया और फरार चालक को पकड़ने का आश्वासन दिया। कानपुर में कोहरे के चलते तेज रफ्तार ट्रक और सवारी से भरी वैन की जोरदार भिड़ंत हो गई है। सड़क हादसे में वैन चालक समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती किया। फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू की। कासगंज में तेज रफ्तार रोडवेज बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में 11 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। बुलंदशहर में कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त शहर अध्यक्ष का सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी को गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल, जिसके बाद पार्टी में मचा हड़कंप। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 मोर की मौत हो गई है। मोर को मृत देख ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दी है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मोर का शव कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजीपुर में दबंगों के साथ मिलकर पट्टादार एक फौजी की संपत्ति उसने कब्जा ली है। फौजी को जान से मारने की धमकी भी दे दी गई है। फौजी ने कई बार पुलिस से शिकायत की है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद शख्स ने जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई। चंदौली में एक शख्स ने घर में घुसकर महिला को गोली मार दी, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फरार शख्स की तलाश की जा रही है। फिलहाल यूपी फटाफट में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।